हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर रियली गुड। आज के टाइम पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपने आप को स्मार्ट, स्टाइलिश एंड फैशनेबल ना दिखाना चाहता हो। हर कोई चाहता है कि उनको लोगों का अटेंशन मिले। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने आप को फैशनेबल दिखाने के लिए काफ़ी महंगे कपड़े खरीदते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट करते हैं अलग अलग चीज़ों पर। बट ट्रस्ट मी गर्ल्स, ऐसा कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फैशनेबल दिखना है तो आपको छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान में रखना है। उनको यूज़ करके आप बिना ज़्यादा पैसे वेस्ट किए अपने आप को स्टाइलिश एंड फैशनेबल दिखा सकते हो। तो चलिए फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है कि आपको अपने बालों का खास ख्याल रखना है। आप एक चीज़ कीजिएगा, जो भी इंसान आपकी नज़र में आपको लगता है कि ये इंसान बड़ा फैशनेबल मुझे लगता है, तो कभी भी उसके बालों की तरफ गौर कीजिएगा। आप हमेशा पाओगे कि उस इंसान के बाल कभी भी रफ एंड ड्राई नहीं मिलेंगे, मिसमैनेज नहीं मिलेंगे। तो आपको एक चीज़ करनी है कि शैम्पू करने के बाद हमेशा अपने बालों में कंडीशनर ज़रूर अप्लाई करना है, इसको कभी भी स्किप मत करना। और अगर आपको लगता है कि जो मार्केट में कंडीशनर्स होते हैं वो बहुत हार्श होते हैं या फिर आपके बालों को डैमेज कर सकते हैं, तो आप होममेड जो DIY के साथ कंडीशनर बनते हैं वो यूज़ कर सकते हो। जैसे दही एक बहुत अच्छे कंडीशनर की तरह काम करता है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। बाल अगर शाइनिंग हो गए, अच्छे से मैनेज्ड हो गए, तो आप सिंपल से सिंपल ड्रेस के साथ भी बहुत फैशनेबल नज़र आओगे। अगले नंबर पे आता है एक्सेसरीज, जो कि आपको फैशनेबल या फिर स्टाइलिश दिखाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो, हो सकता है कि कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो कि एक्सेसरीज मतलब क्या। तो सबसे पहले यही क्लियर कर लेते हैं कि एक्सेसरीज होती क्या है। कोई भी चीज़ जो आप एडिशनल अपने आउटफिट के साथ स्टाइल करते हो, जैसे कि आपके ईयररिंग्स, आपके ब्रेसलेट, नेकलेस या फिर कोई बेल्ट, अगर आप एथनिक बेल्ट ऐड कर रहे हो, ये सारी चीज़ें एक्सेसरीज में आती हैं। तो इनमें ज़रूर आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि बहुत महंगी महंगी चीज़ें आपको खरीदनी है। बहुत कम रेंज में काफ़ी अच्छी अच्छी नेकलेस, ब्रेसलेट, ईयररिंग्स ही आपको मिल जाती है आजकल तो ऑनलाइन भी। तो ये चीज़ ज़रूर स्टाइल कीजिए अपनी हर एक ड्रेस के साथ। ट्रस्ट मी गर्ल्स, बहुत अच्छा इंपैक्ट क्रिएट होता है एंड आप ओवरऑल आपका जो लुक है वो काफ़ी स्मार्ट एंड पॉलिश्ड नज़र आता है अगर आप अच्छे से एक्सेसरीज को स्टाइल करते हो अपने किसी भी आउटफिट के साथ। इसके बाद बारी आती है कपड़ों की। कपड़ों की देखभाल आपको हमेशा बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अगर आप कपड़ों को सही तरीके से हैंडल करते हो ना, तो वो बहुत लंबे टाइम तक आपके चलेंगे एंड लंबे टाइम तक वो बिल्कुल फ्रेश एंड न्यू नज़र आएंगे। होता क्या है कि हम लोग कभी भी इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान नहीं देते हैं। कपड़ों के साथ जो टैग लगे आते हैं ना, उन पर उनके प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि इसको किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से वॉश करना है। हम क्या करते हैं कि एक या दो बार तो बड़े अच्छे से उसकी केयर करेंगे, अच्छे से हैंडल करेंगे न्यू ड्रेस को या सूट को, लेकिन उसके बाद से हम उसको उठाएंगे और मशीन में डाल देते हैं नॉर्मल डिटर्जेंट के साथ। उससे क्या होता है कि कपड़े बहुत जल्दी पुराने नज़र आने लगते हैं एंड ऑब्वियसली कोई भी पुराने कपड़ों में इतना अच्छा नज़र नहीं आता जितना कि वो नए में नज़र आता है। तो आप अपने कपड़ों को हमेशा अच्छे से हैंडल कीजिए। जितना अच्छे से उनको हैंडल करोगे उतना वो फ्रेश नज़र आएंगे एंड फ्रेश कपड़ों में ऑब्वियसली आप ज़्यादा स्मार्ट एंड स्टाइलिश नज़र आओगे। एंड उसके बाद आता है मिक्स एंड मैच का फंडा। अपने कपड़ों को हर बार अलग अलग तरीके से मिक्स एंड मैच करके आप एवरी टाइम न्यू लुक क्रिएट कर सकते हो, वो भी बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए। अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस, टेक्सचर्स एंड पैटर्न्स को मिक्स एंड मैच करने से एंड उनके साथ एक्सपेरिमेंट करने से आप बिल्कुल मत डरिएगा, क्योंकि जितना आप एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज़्यादा नए नए लुक्स क्रिएट होंगे। तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट होता है अलग अलग कॉम्बिनेशंस के साथ। एंड लास्ट में आता है कि हमेशा अपने फेस के लिए अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हो तो वो आपकी स्किन को बहुत नुकसान पहुंचाता है। ऑल्सो जो आप लिप्स के लिए लिपस्टिक यूज़ करते हो वो भी अच्छी क्वालिटी का ही यूज़ कीजिए। अगर आप चीप वाले जो लिपस्टिक्स होते हैं सस्ते सस्ते से वो यूज़ करोगे तो वो आपके लिप्स पे पिगमेंटेशन क्रिएट करेगा, जो कि दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ऑल्सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मामा अर्थ की लिपस्टिक, जो कि केमिकल फ्री लिपस्टिक्स हैं एंड उनके शेड्स मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। मेरे पास टोटल ये 8 शेड्स हैं। ये जितने भी लिपस्टिक्स हैं सब में एवोकाडो ऑयल एंड विटामिन ई है, तो इसकी वजह से काफ़ी अच्छा मॉइस्चर आपके लिप्स को देती हैं। स्मज प्रूफ लिपस्टिक है एंड एक बार की एप्लीकेशन के बाद अप टू 12 आवर्स तक ये आपके लिप्स पे स्टे करती हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। बिल्कुल ही कंफर्टेबल है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, स्मज प्रूफ लिपस्टिक है। मामा अर्थ एक इंडियन एंड प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। इसके सारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल केमिकल फ्री होते हैं। आपको इनके प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे Amazon, Flipkart, Purple, नायका, मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड ऑल्सो मामा अर्थ की ऑफिशियल ऐप पे भी। खरीदते टाइम आप यूज़ कर सकते हो मेरा कूपन कोड दैट इज़ 20 2023 फॉर एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट।
सो इसको भी आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बाकी के अदर लिंक्स के साथ साथ आपको मामा अर्थ के ऑफिशियल ऐप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड उसके अलावा आपको अब ऑफलाइन स्टोर पे भी मिल जाएंगे मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स। आप देखोगे तो मार्केट में भी अब मामा अर्थ के स्टोर्स खुल चुके हैं, वहाँ पे भी आपको ईजिली मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सो मुझे ओवरऑल लिपस्टिक्स बहुत ही अच्छी लगी, एक तो मॉइस्चराइजिंग है और दूसरा इनके शेड्स भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। एंड आप लोग भी इनकी ये वाली लिपस्टिक्स ज़रूर ट्राई करके देखिएगा।